रुकटा और शेखावत सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने पेंशन बचाओ आंदोलन के तहत एक बैठक का आयोजन कंपनी बाग में किया। इस दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने और एनपीएस नई पेंशन योजना को कर्मचारी विरोधी बताते हुए खत्म करने की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि नई योजना के तहत कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में लगेगा, इसका परिणाम क्या आएगा पता नहीं, पैसा भी मिलेगा या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। इसलिए सभी कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने की मांग उठाई है। आज हम 2004 की एनपीएस नई पेंशन योजना को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग के समर्थन में अलवर के विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों के शिक्षक कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांग ये है कि 2004 की नई पेंशन योजना जो कर्मचारी विरोधी है, शेयर मार्केट पर आधारित है, जिसमें कर्मचारियों का जो अंश कटेगा उसका भी सही आकलन नहीं हो पाएगा और वो पैसा आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये एक आशंका बनी हुई है। तो उसके विरोध करते हुए हम पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। इस विषय पर एक साझा रणनीति, साझा समझ विकसित हमें आज करनी है और इन फ्यूचर पूरे राजस्थान के स्तर पर इस आंदोलन को हम लेके जाएंगे। इसी सिलसिले में राजस्थान में भी और पूरे देश में कर्मचारी संगठन चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनकी चिंताओं के साथ में हम शरीक होते हैं और इस आंदोलन को अलवर में मजबूत करते हुए हम आने वाले दिनों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीके से आंदोलन की रणनीति इकट्ठा बनाने के लिए